श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग श्रवण कर रहे हैं भजन रहस्य। भजन रहस्य भगवान की सेवा में प्रवेश करने के लिए, भगवान की नित्य सेवा में जाने के लिए क्या ऐसा है जो हम नहीं जानते हैं, और वो रहस्य है। उस रहस्य को हम यहाँ सुन रहे हैं। अच्छा, एक बात विचार करने वाली दिमाग में आई। जीवन में हम लोगों को एक ही जीवन में इतना कुछ मिल गया है। ठीक है, पहले जन्मों के संस्कार होंगे, हम कहीं ना कहीं किसी ना किसी वैष्णव से रिलेट हुए होंगे, और कहीं ना कहीं कोई ना कोई गौड़ीय गुरुवर्ग के द्वारा हो सकता है दीक्षित भी होंगे। लेकिन अगर इन सब बातों को एक बार भूल जाएं और विचार करके देखें कि हमारा ये पहला जन्म है, ऐसे एक बार सोच के देखो, अभी अभी हम लोग तटस्था शक्ति से इधर गिरे हैं। ऐसे मान लो कोई संस्कार नहीं है पहले जन्मों के, और अचानक से हमारा जब गिर रहे थे तो हमारा आकर्षण जो है वो वैष्णवों के प्रति हो गया। उनके कीर्तन को देख करके हम जब आत्मा बिल्कुल छोटी सी जब गिर रही तो वैष्णवों का गौड़िया का कीर्तन चल रहा था, उसे देख के आकर्षित हुआ। अब किधर जाए किधर जाए, तो किसी गौड़िया वैष्णव अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के सांस में प्रवेश कर गए और हमारा ये जन्म भाग्य क्रम से कह लें मनुष्य का हो गया और हम लोग बिल्कुल नया जन्म लेके आए इस संसार में। पहला जन्म सोच लो, और इस जन्म में भारत भूमि में जन्म हुआ, और फिर संस्कारी माता पिता मिले, और उसके बाद में वैष्णव संघ मिल गया, फिर ऐसे गुरु मिले जो श्री राधा रानी की नित्य परिकरी सेवा में रहने वाली सेविका सेवक
ऐसे गुरु मिल गए, ठीक है। इसके बाद फिर संसार की जाने की इच्छा रख रहे हो तुम लोग, मतलब इतना कुछ मिल गया है, इसके बाद वापिस जाने के बारे में नहीं सोचोगे? हाँ सोचेंगे, थोड़ा और, कितना और भाई, क्या और रह गया तुम्हारा कुछ सोचना भोगना, क्या बकाया क्या रह गया कि ये सुख नहीं लिया? सारे सुख तो ले लिए, कोई भी सुख तो छोड़ा नहीं, हर तरीके का सुख ले लिया। भगवान ने कृपा करके हमारे अंदर जो थोड़ी बहुत जो थी भोग की इच्छा, उसे भी पूरा कर दिया। अब क्यों रुके हुए हो, क्यों नहीं हृदय से हरि नाम कर रहे? होता नहीं, होता नहीं की बात नहीं, करते नहीं। कल हुआ था, कल तुम नहीं आई ना? नहीं, तो हरि नाम अंतःकरण से नहीं होता, क्योंकि हम अंतःकरण को समझ नहीं पाए कि अंतःकरण है तो है क्या। हम इसको सोच रहे हैं कि इससे हरि नाम होता है, ये काका कुकी काका बोल रहा जो, इससे हरि नाम होता है, हम ऐसा सोच रहे हैं। ना, इससे हरि नाम नहीं होता है, जहां तो दिमाग से होगा जहां दिल से होगा। दिमाग से होगा तो मन बुद्धि इधर उधर भटक सकते हैं, भटका सकते हैं, और हृदय से होगा ना मन काम करेगा ना बुद्धि काम करेगी। गुरुदेव की कृपा से जो कल का एक्सपीरियंस रहा, मैं अक्सर आलोचना नहीं करता, लेकिन कल का एक्सपीरियंस जो शुरू से बैठे थे, सिंगल का भी ऐसा नहीं था जिसका दिमाग काम कर रहा हो, जा बुद्धि या मन काम कर रहा हो। कैसा अनुभव था, मन बुद्धि कार्य कर रहे थे जहां हृदय से हरि नाम हो रहा था? प्रभु कल मन बुद्धि कार्य कर रहे थे, कर रहे थे, कर रहे थे। आपका 25% कर रहे थे, आपका कितना परसेंट कर रहे थे? थोड़ा जोर से बोला करो। 95% मन बुद्धि काम कर रहे थे। अच्छा, आपका सो गए थे। नाइन्टी फाइव परसेंट मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे थे। हृदय से जब भगवान का नाम होता है, अर्थात आत्मा जब भगवान का नाम करती है, तो मन बुद्धि शांत हो जाते हैं, उनकी क्रिया शून्य हो जाती है, तब वह नाम वास्तविकता में नाम होता है। तो क्या कहते हैं, प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, पहले कुछ दिनों तक, अभी सीधा कृष्ण लीला का चिंता जहाँ ये सब मत करो कि कृष्ण मेरे प्रियतम, मैं उनकी प्रियतमा, मैं उनका दास, वो मेरे प्रभु, ना अभी चिंतन मत करो। प्रथमे प्रथम श्लोक भजो किछु दिन, अपने चित्त को परिमार्जित करने के लिए, सफाई करने के लिए, चित्त से हरि नाम, हृदय से हरि नाम करो, जो कि संस्कार रूपी जो दर्पण है उसको साफ कर सके। संस्कार है ना, चित्त में क्या है, संस्कार है। काय के संस्कार हैं, क्या संस्कार हैं, अनंत जन्मों के संस्कार। जैसे अभी पहले हमने सोचा था, माना पहले ही जन्म हुआ, तो फिर काय के संस्कार, फिर आंखों से जो देखा हुआ है, कानों से जो सुना हुआ है, अगल बगल में जो हमने एब्जॉर्व किया, उसके संस्कार। ये संस्कार हम लोगों को अपने स्वरूप का दर्शन नहीं होने देते,
और वो स्वरूप दर्शन ना होने का कारण क्या है? तीसरा और चौथा श्लोक जो है इसको हम थोड़ा सा समझने का आज प्रयास करते हैं। चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम अम्बुधिवर्धनम प्रतिपदं पूर्णामृतयस्वादनम् सर्वात्मसनपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् जब हम हृदय से हरि नाम करते हैं अर्थात जब आत्मा नाम उच्चारण करती है तो हृदय की जो धड़कन है वो उसके साथ जुड़ जाती है। हृदय में थोड़ी हैवीनेस लगती है, भारीपन लगता है। जब वो भारीपन लगने लगे उसी वक्त आपका मन और बुद्धि काम करना बंद कर देते हैं, क्योंकि अब वह नाम अंतःकरण से आ रहा है। कहां से आ रहा है? अंतःकरण से। और वह अंतःकरण से आया हुआ नाम चित्त को साफ करता है, साफ करना शुरू कर, जैसे ही साफ करना शुरू करता है मन और बुद्धि उन्हें आनंद आने लगता है, वो सो जाते हैं। वो क्या करते हैं? सो जाते हैं। मन बुद्धि की कोई फिर क्रिया नहीं रहती, उसे कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम। और ये जब होता है ना तब मालूम पड़ता है, ओहो इतने दिनों से हरि नाम कर रहे थे हमें पता ही नहीं था हरि नाम की ये महिमा है। फिर वास्तविकता में भगवान के नाम का चित्त में उदय होता है। जैसे भगवान का नाम है कृष्ण मुरारी, भगवान का नाम क्या है? जगन्नाथ। भगवान का नाम क्या है? बराह। भगवान का नाम क्या है? मत्स्य, कूर्म, नारद, भगवान के नाम है। फिर इन नामों की भी महिमा पता लगती है। बात समझ रहे हैं? भगवान का नाम अगर कूर्म भगवान है ना, कूर्म देव, तो कूर्म देव की क्या शक्ति है, कैसा दिव्य उनका प्रभाव है। भगवान वामन का क्या प्रभाव है? मतलब जो नाम कर रहा होता है जीव
उसका उस नाम की कृपा से अन्य जितने नाम हैं, समझे नहीं, अधिकार वालों के लिए अन्य अन्य नाम, अन्य अन्य जीवों के अधिकार के लिए, उन नामों की महिमा उसे प्रकट हो जाती है। फिर उसे लगता है ओ अनेक लोकिर्वांछा अनेक प्रकार। फिर उसे कोई भी जीव ऐसा नजर नहीं आता जो कि वैष्णव नहीं है। उसको हर जीव वैष्णव नजर आता है। फिर कैसा नजर आता है? कृष्ण अधिष्ठान सर्व जीवे, जानी सर्वदा। जानी इसलिए बोला है क्योंकि हम समझ नहीं रहे हैं, हमारे लिए जानी बोल रहे हैं और उसके लिए प्रकट हो जाता है। फिर अपना दुर्भाग्य नजर आता है। देखिए ये विशेषता है, जब चित्रूपी दर्पण मार्जित होगा, जब परिष्कार परिच्छन्न हो जाएगा, तब केवल मात्र अपना दोष नजर आएगा। ले ये क्या है? भगवान की भक्ति करने से भगवान की भक्ति नजर आएगी, मैं भजन कर रहा हूं ऐसा अनुभव होगा। कहते इससे ज्यादा अनुभव होगा कि मेरे द्वारा किसी व्यक्ति को क्लेश हो गया, दुख हो गया, ये ज्यादा कष्टदायी होगा। नाम के आनंद से ज्यादा कष्टदायी ऐसा होगा, भ्रम नहीं होगा, फिर फील होगा। एक दिन चिंतन कर रहे थे, भगवान के नाम की शक्ति यहां इस श्लोक में बोला है चैतन्य महाप्रभु जी ने, नाम नामकारी बहुधा बोले, नाम नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्र अर्पिता नियमितः स्मरणेन काल एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् इदृशम् इहाजनी नानुराग, दुर्दैवम् इदृशम् इहाजनी नानुराग, दुर्दैवम् इदृशम् इहाजनी नानुराग। जैसे चैतन्य महाप्रभु की लीला में दिखता है कि महाप्रभु ने प्रत्येक भक्त को उसकी भावना के अनुसार दर्शन दिए, किसी को कूर्म रूप से दर्शन दिए, किसी को राम रूप से दर्शन दिए, किसी को नरसिंह रूप से दर्शन दिए, किसी को कृष्ण रूप से दर्शन दिए, है ना, किसी को छठभुज रूप से दर्शन दिया। कूर्म कछुआ, भगवान कछुआ के रूप में आए, बराह रूप में दर्शन दिए चैतन्य महाप्रभु ने। क्यों दिए? अब देखो समझो इस बात को, क्योंकि श्रीमन महाप्रभु भगवान श्री कृष्ण ही हैं, और कृष्ण का मतलब ये है अवतारा बलि बीजम, जो सभी अवतारों के कारण हैं। जितने अवतार हैं सब भगवान से ही होते हैं। मान लो कुर्म अवतार में भगवान के उस कुर्म स्वरूप का दर्शन करके जो भक्त लोभी हो गया कि मैं इन्हें आलिंगन करूं या इन्हें प्रेम करूं, जहाँ वहाँ की जो मछलियाँ रही होंगी समुद्र में,
कुर्म अवतार में उन्होंने कहा हो कि मैं इनकी सेवा करूं। तो भगवान के प्रकट होने से भगवान के जो परिकर होते हैं, जहाँ भगवान की सेवा करने की इच्छा रखते हैं, उसे भगवान डेफिनेटली पूरा करते हैं। पूरा करने का तरीका क्या है? सर्वशक्ति नामे दिला करिया विभाग, इस बात को समझिए। भगवान के 52 अवतार में बलि महाराज की बिटिया का क्या नाम था? रत्नावली है, रत्नमाला, शायद रत्नमाला। उसने ठाकुर जी को जब देखा, वामन भगवान को छोटा सा, उसके अंदर क्या जगा? वात्सल्य भाव। कितना सुंदर है, इसको तो मैं अपना अमृत पिलाऊं। उसका भाव जगा। भाव अशुद्ध था? अशुद्ध भाव नहीं था, लेकिन जैसे भगवान ने विराट रूप धारण किया, उस भाव में क्या हो गई? अशुद्धि। भाव में क्या घुल गया? अशुद्धि आ गई। और अशुद्धि आते ही उसने कहा कि अरे दूध, जिसको अमृत पिलाऊंगी, इसको तो मैं दूध में जहरी मिला के पिला दूंगी, इसको मार ही डालूंगी। विचार कीजिए, जितने भगवान के परिकर हैं उनकी इच्छा तो भगवान पूरी करते हैं। 52 अवतार में भगवान वामन देव को देख करके एक साधारण छोटी सी कन्या के मन में, एक लड़की के मन में, कन्या के मन में ये आ गया कि इसे मैं अपना अमृत पिलाऊं, छोटा सा बच्चा है, बड़ा सुंदर लग रहा है। 52 भगवान तो पूरा नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि 52 भगवान उस वक्त तो वात्सल्य रस की मूर्ति नहीं है, वो वात्सल्य रस ग्रहण करने के विषय नहीं है। लेकिन वामन भगवान जिनसे हैं वो तो मूल हैं, वो तो सर्वशक्ति मान है। क्या ये सर्वशक्ति मान नहीं है? वामन भगवान एक ही है। वो जैसे द्वितीया का चंद्रमा, द्वितीया का चंद्रमा और पूर्णिमा का चंद्रमा दो हैं, एक ही है। अगर उस द्वितीया के चंद्रमा को कोई केंद्रित करके उसकी तरफ दौड़ा चला जाए, तो दौड़ा जाने से, बड़ी तेज से जाने से उसको क्या मिलेगा? आधा चंद्रमा मिलेगा? पूरे चंद्रमा मिलेगा ना? इसी प्रकार से अन्य अवतार भगवान के कला के अवतार हैं, गुणों के अवतार हैं, भगवान के अंश अवतार हैं। परंतु उन अंश अवतार में, कला अवतारों में, गुणा अवतारों में जब जीव की श्रद्धा, भक्ति, रति ये सब बढ़ती है, विशेष रूप से होती है, तो वह अवतार उनको अपने पूर्ण स्वरूप के पास ले जाता है। क्या हुआ उसका? वो रत्नमाला का क्या हुआ? पूतना बनी। द्वापर युग में, त्रेता युग में भी नहीं उसका हुआ, क्योंकि रामचंद्र मर्यादा में वो दूध तो पिलाएंगे नहीं। क्या बनी? द्वापर में पूतना है ना। पूतना और स्वरूप नखा एक कहां से हो गए? पूतना बनी। और पूतना बनने के बाद में भगवान को उसने उठाया। एक बार तो दया आई, आय हाय बड़ा सुंदर है, इसको क्यों मानने के लिए आ गई। फिर दूसरे भाव में वही, इसको लिया, इसको उठा, पिलाया, जैसे ठाकुर जी को अपना हम विष पिलाने की कोशिश की, ठाकुर जी ने उसके प्राणों को पी लिया। पीने के बाद किया क्या भगवान जी ने? उसकी जो सबसे पहली भावना थी, क्या भावना थी? मैं इसको अपना अमृत पिलाऊं। भगवान ने उसे धात्री गति प्रदान कर दी, जो धाया होती ना, धाया, वो गति प्रदान कर दी। और गोलोक धाम में आज भी पूतना मैया वहां पे धाया के रूप में ठाकुर जी की सेवा में है, नित्य गोलोक धाम में।
बात समझने की कोशिश करें। कोई भी जीव किसी भी भगवत नाम से जुड़ जाए और जुड़ा होने के बाद में अगर उसके हृदय में भगवान के उस रूप के प्रति कोई ऐसा भाव जगे जो भाव उस रूप के अनुरूप ना हो, जैसे रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, उनको बोला गया कि अश्वमेध यज्ञ कीजिए, हाँ करेंगे, तो लेकिन सपत्निक होगा, पत्नी के साथ होगा, तो सपत्निक कैसे हो सकता है, वो तो वनवास में है, तो क्या करेंगे, स्वर्णमयी सीता निर्माण की, उसके द्वारा भगवान श्री रामचंद्र ने प्राण प्रतिष्ठा करके उसकी अपने हृदय से ही प्रकट किया सीता जी को, और उनसे यज्ञ किया, यज्ञ संपन्न हुआ। इसलिए इतना दृढ़ता दिखलाई भगवान रामचंद्र ने कि एक पत्नी व्रत, मैं और विवाह नहीं करूंगा। लेकिन जब वह भगवान रामचंद्र दंडक वन में थे, वहां 16,000 ऋषि थे, कितने ऋषि, जिनमें से ऋषि और ऋषि पत्नियां दोनों थी, खाली ऋषि नहीं थे, ऋषि पत्नियों के हृदय में राम जी के प्रति भाव आया कि हाय, पतियों के हृदय में भी आया और पत्नियों के हृदय में भी आया, हाय बड़े सुंदर देखो ठाकुर जी हैं, सीता जी कैसी सेवा कर रही, चरण दबा रही, खिला रही हैं, बना रही हैं, हमारा कभी सौभाग्य हो उनकी पत्नी के रूप में सेवा करने का, इतने बत्र बड़ी बड़ी दाढ़ी हैं, आँखों की जो भौं की जो वो होती ना, ये क्या बोलते हैं इसको, आईब्रो भौं भौं, ये यहाँ यहाँ तक लटक गई हैं, दाढ़ियाँ चमड़ी झूल गई हैं, हजारों साल से तपस्या करने वाले बाबा जी, देखो क्या अंदर विकार आ रहा है, देखो भगवान को देख करके क्या आ रहा है मन में, पत्नी बनने का भाव, देखो ये कोई अच्छा है, मुक्ति होने का होना चाहिए था, नहीं, सिया जी की तरह हम भी सेवा करें। जब भगवान रामचंद्र दंडक वन से निकलने लगे तब उन्होंने सब ऋषियों को प्रणाम किया, ऋषि पत्नियों को प्रणाम किया, सभी लोग रोने लग गए, कहते आप क्यों रो रहे हैं, कहते नाथ आप चले जाएंगे, कहते हाँ ये बात तो मैं आपसे कहने वाला हूँ कि आप लोगों ने इतने दिनों तक मेरी सेवा की, हमारी सेवा की, हमें कोई कष्ट नहीं होने दिया। तब ऋषिगण रोते रोते कहने लगे प्रभु आपने कष्ट हमें नहीं होने दिया, इस वनवास में वन में आपको कितना कष्ट हुआ, उल्टा आपने हमें कष्ट नहीं होने दिया, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। तब भगवान ने कहा देखिए मैं तो अभी राजा नहीं हूँ, लेकिन मैं आपको वचन देता हूँ कि आप लोग जो इच्छा हो मांगिए, मैं आपकी सेवा नहीं कर पाया, मैं आपकी बहुत सेवा करना चाहता हूँ। भगवान के इस प्रकार से विनय करने पर सारे ऋषियों ने और ऋषि पत्नियों ने क्या कहा, हे प्रभु हमें आप सीता जी की तरह अपनी सेवा में रख ले। राम जी के, क्योंकि राम जी सीता जी को देखती, सीता जी लज्जा से देखो क्या बोल रहे हैं, और उसमें बड़े बड़े ऋषिगण है, छोटे मोटे नहीं, बड़े बड़े ऋषिगण। सीता जी एकदम से नीचे कर लिया, तो राम जी कहते देखिए मेरी इनके अलावा कोई और विवाह नहीं होगा, मैं किसी और से शादी नहीं कर सकता, मेरी पत्नी नहीं हो सकती। इसलिए फिर कहते प्रभु आपने अभी वचन दिया था, कहते हाँ पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का द्वापर युग में अवतार होगा, उसमें मैं भी आऊंगा, ध्यान दीजिए उसमें मैं भी आऊंगा। इसलिए गर्ग संगीता के अंदर वर्णन है, गोलोक से भगवान जब इस जगत में प्रकट होने लगे, आने लगे, उतरने लगे, तो जो साकेत धाम है, साकेत धाम से भगवान श्री रामचंद्र अपने अच्युत घोड़ों के रथ के साथ में भगवान श्री कृष्ण में प्रवेश कर गए, नरसिंह भगवान प्रवेश कर गए, वराह भगवान प्रवेश कर गए, सारे अवतार भगवान में प्रवेश करते आ रहे हैं। जैसे
साधारण सा अगर बतलाना हो, अगर राष्ट्रपति ने यहाँ पे आना हो तो यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो कोई बचेगा? डीएमसी हम सारे के सारे भगे भगे आएंगे, कोई अलग से लाने की बुलाने की जरूरत नहीं, एक को बुलाया तो बाकी सारे अपने आप सेटिंग करके आएंगे। इसी प्रकार से तो नाम तो किया राम जी का, मिले कौन? घनश्याम जी। ऐसे बहुत से और उदाहरण हैं कि भगवान ने जिन ने भगवान से उस समय द्वेष किया था उनको भगवान ने द्वापर युग में अपने हाथों से लीला की, उनकी उनका कांड किया। और किसी किसी वैष्णव का ऐसा कहना है कि जो स्वरूप नखा आई थी बिचारी, वो तो बड़े प्रेम से आई थी, उसका क्या किया है? नाक कान काटी, वो तो प्यार भगवान से तो प्रेम करने के लिए आई थी, उसका तो प्रेम तो शुद्ध था। कहते शुद्ध नहीं था, अशुद्ध था, इसलिए वो गणिका के रूप में प्रकट हुई मथुरा में। भगवान ने उसका भी कल्याण किया, कृष्ण बलराम ने। तो ये बातें हैं, कहने का मतलब हम लोग जो भी साधना आराधना कर रहे हैं वो साधना आराधना हमारी नाम के प्रति ऐसे होने चाहिए कि नाम सर्वशक्तिमान है, नाम कुछ भी ऐसा नहीं है जो नहीं दे सकता। ये कब होगा? जब चित्त साफ होगा। चित्त साफ कब होगा? जब चित्त अपना हृदय से आत्मा से नाम कीर्तन करेंगे। आत्मा से नाम कीर्तन हो रहा है नहीं हो रहा कैसे मालूम पड़ेगा? जब हम लोग नाम करते हैं, नाम करते हुए तो यहां से आवाज भी आती, फील होता है, आवाज जो है ना यहां से निकल रही, बट वो वाइब्रेशन वहां फील होती। जब वो वाइब्रेशन फील होने लगे, अपनी आंखें ओंखें सब बंद करके पूरी तरह बाहर जगत को पूरा शून्य करते हुए भीतर चले जाएं और वहां से हरि नाम का उच्चारण करें। जब ऐसे करेंगे तब धीरे 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 वह चित्त साफ होगा। चित्त साफ होने से फिर आप भी यही बात कहोगे, नाम नामकारी बहुधा निज सर्व शक्ति स्तत्रार्पिता। नियमित स्मरणे न काल, आपने स्मरण के लिए समय नहीं रखा कि इस समय करो उस समय करो, कोई नियम नहीं रखा। यहां तक कि सबसे गंदी अवस्था जो होती है, सबसे गंदी, लैट्रिन में बैठे हुए, बाथरूम में बैठे हुए, हरे कृष्ण कर सकते हैं, गोविंद जय जय गोपाल जय जय बोल सकते। मुर्दे को उठाने से ज्यादा तो कुछ गंदा नहीं हो सकता। मुर्दे को उठाए हुए राम नाम सत्य बोलो, गोपाल नाम सत्य, गोविंद जय जय गोपाल जय जय नित्य गौरांग, कुछ भी बोलो। तो भगवान का नाम पतित से पतित अवस्था में भी लिया जा सकता है। इतने नियम कोई नहीं रखे, लेकिन दुर्भाग्य देखो मेरा कि अनुराग नहीं हो रहा है। अनुराग किस में है? अनुराग है मेरा सम्मान नहीं हो रहा, मैं इतना भाव से कीर्तन कर रहा हूं कोई देख नहीं रहा, कोई सुन नहीं रहा, मेरे भावों को तो कोई समझता नहीं है, अपने ही भाव दिखाते रहते हैं। इस प्रकार से ये दुर्भाग्य हमारा, दुर्दैव इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दुर्दैव। दैव मतलब भाग्य, देवताओं के द्वारा दिया गया उसे दैव कहते हैं, भाग्य। इतना दुर्भाग्य है कि मेरा भगवान के नाम में अनुराग नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा? उसको देखना है क्यों नहीं हो रहा। मैंने ये शब्द किसी को बोला, उसके मन में दुख हुआ, उसको जाकर के निवेदन करना, क्षमा याचना करनी। मैंने आज जो है नाम जब पूरा नहीं किया, आज मैं खाऊंगा नहीं, अपना हमेशा दोष खोजते रहना। आज मैंने ठाकुर जी की कोई ढंग से सेवा ही नहीं की, सोया पड़ा रहा एकदम सुअर की तरह, ऐसे कल्पना करना, अपने अंदर कमियों को ढूंढना, क्योंकि मन की आदत है गंदी, कमियों को ढूंढना मन की आदत है, दूसरे में दूसरे में कमियों को ढूंढना मन की आदत है।
तो अपने में उसको बोलो, ढूंढ, देख ये देख, ये देख आज, ये देख ये देख। इस प्रकार करने से फिर हमारा द्वंद्व खत्म होना शुरू होगा। क्या खत्म होगा? द्वंद्व खत्म होगा। कैसे होगा? उसमें हमारे अंदर ये भाव आ जाएगा, जब मेरा ही दोष है, अरे मैंने तो कोई दोष नहीं किया, मैंने तो कभी किसी को कुछ बोला नहीं, मेरे को ये क्यों कष्ट मिला। ध्रुव के अंदर ये भाव आ सकता है, बच्चा है ना, हमारा मन भी बच्चा है, आ सकता है। तो माँ ने क्या बोला, जीव वह इस जगत में कोई भी व्यक्ति कभी भी जो कष्ट प्राप्त करता है वो अपने ही किए हुए कर्मों का फल होता है। ऐसा जब भाव होगा तो आप उस फल को प्राप्त करने के लिए प्रसन्न होंगे, आग्रही होंगे। ऐसा नहीं होगा ले इसने इसी से मिलना था मेरे को, ये तो अच्छी मिल जाती, ये तो अच्छा मिल जाता, समझे नहीं? नहीं समझे। हम जिससे प्रेम करते हैं, हम जिसके साथ रहते हैं, कम से कम वो तो अच्छा हो। अरे दूसरे से मिले मिले कष्ट, अपनों से क्यों मिले? भगवान कहते इस संसार में मैं ही तुम्हारा हूं, बाकी सब दूसरे हैं। तो कष्ट अगर अपनों से नहीं मिलेगा तो तुम जो है मेरे पास नहीं आओगे, ये तो एक बात कहने की है। परंतु ये द्वंद्व खत्म होंगे जब अंतःकरण साफ हो जाएगा, जब मलिनता साफ हो जाएगी, तब मालूम पड़ेगा ये डॉट ये डॉट ये डॉट लग गई। सफ़ेद होगा कपड़ा तब उसमें डॉट नज़र आएगी, और उस डॉट को रिमूवर से रिमूव करना है। रिमूवर भी वही है हरिनाम। जब रिमूव करेंगे तब जा करके हमारा अंतःकरण पूरी तरह परिष्कृत होगा, साफ होगा, और हम लोग फिर भगवान जी का जब नाम करेंगे तब नाम करते हुए तृणादपि सुनी चेना। जब किसी को अपने दोष दिखाई देने लग जाएं, अच्छा बताओ, जब अपने दोष दिखाई देने लग जाएं किसी को, तो उसके अंदर अभिमान होगा? वो तो अपने आप को क्या सोचेगा, तृणादपि सुनी चेना। जब किसी के अंदर तृणादपि सुनिच का भाव होगा तो किसी से लड़ेगा जाके? तो इसका मतलब ये है कि आप भगवान की सेवा में हैं और कोई आकर के भगवान की सेवा में उत्पात कर रहा है, आप तृणादपि सुनिच कर ही जाए, ये ठीक है? भगवान के विग्रह को कहीं खंडित करने लगा है, तृणादपि सुनिच, ठीक है? वहां पे हनुमान जी की तरह गदा सिर पे मारने गए। सेवा में त्रुटि ना हो उसके लिए आप आवेश में कुछ बोल जाएं तो वह आपके तृणादपि भाव को खंडित नहीं करता है। तृणादपि भाव होता है अपने ऊपर हो रहे किसी भी तरह के अत्याचार को हम सहजता से हंसते हुए स्वीकार करें, हाँ ठाकुर आपने कितनी कृपा की कि आप मेरे से प्रेम करते हो। गुरुजी ने एक बार एक कही थी बात, भगवान जिससे प्रेम करते हैं, जिसको अपने पास बुलाना चाहते हैं, उसको विरुद्ध परिवेश में फेंकते हैं, अनुकूल नहीं में नहीं, इसमें विरुद्ध परिवेश में फेंकते हैं और चारों तरफ पे आक्रमण करवाते हैं। लो जी हमारा तो अनुकूल है सब कुछ, तो हमसे भगवान प्रेम नहीं करते। अनुकूलता में प्रतिकूलता दिखने लगी कि ये अनुकूलता ही मेरे बंधन का कारण है, ये अनुकूलता ही मेरे बंधन का कारण है। जब इस प्रकार से हृदय हो जाएगा तब महादावा अग्नि निर्वापणम, महान दावा अग्नि, महान दावा अग्नि, संसार में जन्म मृत्यु सुख दुख राग द्वेष इत्यादि ये द्वंद्व जो हैं, उन द्वंद्वों से जीव निकल जाएगा, समझ रहे हैं? तो वह तृणादपि सुनिचेन श्लोक का फिर प्रादुर्भाव होगा। जब द्वंद्व खत्म होंगे तो तृणादपि सुनिचेन श्लोक का प्रादुर्भाव होगा। इस तृणादपि सुनिचेन श्लोक में द्वंद्व खत्म होने के बाद में जीव की कैसी स्थिति होती है, कल को
श्रवण करेंगे वंशक।